हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। कुछ अमेंडमेंट जो हैं वो आईसीआई ने आपके लिए बताई हैं और टॉपिक है हमारा एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। सारी अमेंडमेंट्स अब तक के सारे चैप्टर्स के हम कर चुके हैं, लेकिन जीएसटी की कुछ अमेंडमेंट्स मुझे स्पेसिफिकली आपको शो करनी है, इसलिए मैं एक सेपरेट पार्ट, एक सेपरेट एडिशन आपके लिए यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। और अगर ये नोट्स आपको ना मिल रहे हो, वैसे ही आईसीआई की साइट पर अवेलेबल है, अगर ये आपको ना मिल रहे हो तो आपने टेलीग्राम ग्रुप आई थिंक ज्वाइन कर रखा हो, और नहीं कर रखा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दूंगा लिंक को, आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे आज की डेट में। और फिर भी आपको ना मिल रहा हो तो 9354719404 पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है सर। सबसे पहले अगर अमेंडमेंट को समझे तो एंट्री नंबर 7 में अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट क्या है ज़रा समझिएगा कि ये यहाँ पे बोलता था सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी। वर्ड क्या था सर? बिजनेस एंटिटी। और यहाँ पे बताया गया था 20 लाख और कुछ केसेस में 10 लाख, जो कि स्पेशल स्टेट्स है। नाउ अमेंडमेंट क्या हुई है वो ज़रा ध्यान दीजिएगा, प्रोविजन सेम है, बस यहाँ पे 20 लाख और 10 लाख को हटा के बोल दिया गया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट 2017। तो अब आपको 20 लाख 10 लाख नहीं लिखना है, अब एग्जाम में आपको बस लिखना है सच अमाउंट इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बस सर। सर रिमार्क याद रखना है? नहीं सर, अगर आपकी मर्जी है तो आप सेल्फ रीड दे सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है सर, अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार पढ़ लेना, ठीक। नाउ एंट्री नंबर 45 को अमेंड किया गया। यहाँ पे एंट्री नंबर 45 में यहाँ पे भी बिजनेस एंटिटी को RCM के बेसिस पे टैक्सेबल किया गया था और वहाँ पे भी लिमिट रखी गई थी अप टू 10 लाख, इसको भी यहाँ पे अमेंड किया गया और यहाँ पे भी सेम वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया अप टू सच अमाउंट इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है सर। तो ये वर्ड इंट्रोड्यूस किए गए एंट्री नंबर 45 में। तो हम ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आई थिंक जो भी ये पार्ट आप देख रहे हो, इससे पहले के जो भी 3-4 पार्ट थे वो हमारे एग्जेम्पशन के टॉपिक पे थे और ये सारे टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ। तो एंट्री में कहाँ क्या अमेंडमेंट आई है वही मैं बता रहा हूँ। एंट्री नंबर 7 में इस अमाउंट को यहाँ से हटाया गया और लिखा गया सच अमाउंट इन टेक्स द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कि वो अमाउंट जो होगा गवर्नमेंट हमें बता देगी नोटिफिकेशन के जरिए, और जो भी वो एलिजिबल होता था जिससे उसे एग्जेम्पशन मिलती थी रजिस्ट्रेशन के अंदर, वो अमाउंट देखा जाएगा। तो ये जो 20 लाख और 10 लाख की लिमिट थी इसको हटा दिया गया, ठीक है सर। नाउ यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं तो ये सर्विस प्रोवाइडेड बाय में यहाँ पे था ए, ठीक है, फिर यहाँ पे एक है BBA और ये है पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट। तो यहाँ पे भी लास्ट में बिजनेस एंटिटी के लिए 20 लाख और 10 लाख के लिए बताया गया था और इसको भी यहाँ पे अपडेट किया गया और सेम वही तरीका अप टू दिस सच अमाउंट इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है सर। ये यहाँ पे अमेंडमेंट जो है इंट्रोड्यूस यहाँ पे की गई। इसके बाद फिर से आप बढ़ते हो आगे तो फिर था सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज और इसमें भी यही लिमिट थी 20 लाख 10 लाख और इसको भी अपडेट किया गया एज यूजुअल, जैसा कि ऊपर आप देख रहे हो अप टू सच अमाउंट इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक इट एलिजिबल। तो मतलब जहाँ जहाँ लॉ में 20 लाख और 10 लाख की लिमिट थी वहाँ पे अमेंडमेंट आई और वहाँ लिखा गया अप टू सच अमाउंट इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एस मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, ठीक है। मतलब जो भी अमाउंट है जिसमें एग्जेम्पशन आपको मिलती है वो अमाउंट हम आपको बता देंगे नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है सर। नाउ माय डियर फ्रेंड, एक नई एंट्री इंट्रोड्यूस की गई, न्यू एंट्री 9AA यहाँ पे डाली गई है, 5 स्टार लगाइएगा 9AA के लिए। और ये जो अमेंडमेंट आज हम देख रहे हैं कहने के लिए सिंपल है, लेकिन मेरे हिसाब से 5 मार्क्स ये टॉपिक आपको देके जाएगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एग्जिस्टिंग टॉपिक पे आपकी कमांड हो, तो जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उस पे कमांड होनी चाहिए। सर इसने क्या कहा, NA मतलब ये पहले नहीं था, अभी अभी आया है, क्या कह रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय
सर कौन सर्विस देगा? एंड टू फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, आई यहाँ पे फीफा को सर्विस दी जा रही है बाय एंड टू एंड इट्स सब्सिडरीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनी इवेंट्स अंडर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 टू होस्टेड इन इंडिया। कंडीशन इन्होंने बताइए कि भैया जो भी डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के या फिर स्पोर्ट्स के हैव टू सर्टिफाई दैट द सर्विस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनी ऑफ द इवेंट अंडर फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो मतलब सर ओवरऑल हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा है सर, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड एंड टू फीफा एंड इट्स सब्सिडरीज, मतलब कि फीफा को सर्विसेज दी जा रही है और सर बाय इनके द्वारा एंड टू और सर किसको? सर फीफा को ही दी जा रही है या फिर इसकी सब्सिडरीज को दी जा रही है? सब्सिडरीज सर किससे रिलेटेड है ये? तो इससे रिलेटेड है ये, तो यहां पे साफ बताया गया दैट इज वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 से रिलेटेड है ये। प्लस एक कंडीशन यहां पे ऐड की गई, क्या कंडीशन यहां पे ऐड की गई? इसने बोला कि ये एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। कंडीशन क्या ऐड की गई? तो कंडीशन यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो भी डायरेक्टर है या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है या फिर स्पोर्ट्स है जिसे सर्टिफाई किया गया, तो मेन वर्ड है सर यहाँ पे सर्टिफाई और नॉट सर्टिफाई, तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है सर्टिफाई और नॉट सर्टिफाई। कंडीशन में लिख सकता है कि बट कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाई, तो अलाउ नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो अपना याद रखने के लिए सर्टिफाई, कंडीशन कैसे होनी चाहिए सर? सर्टिफाई होनी चाहिए डायरेक्टली रिलेटेड या इनडायरेक्टली रिलेटेड, मतलब डायरेक्टली हम सर्टिफाई करेंगे कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे अटैच है सर? वुमेन वर्ल्ड कप 2020 से। सर इतनी छोटी सी बात के साथ ही एग्जेम्पशन है और 2-3 मार्क की केस स्टडी इस पर पूछी जा सकती है, ठीक है सर? तो इसको थोड़ा सा एक बार रीडिंग में दे दे रहा आप। ओके नाउ एंट्री नंबर 14 को अमेंड किया गया, छोटी सी अमेंडमेंट है, पहले था बिलो 1000 पर डे लेकिन इसी को अमेंड किया गया और यहाँ पे ऐड किया गया बिलो और इक्वल टू 1000 पर डे। ये यहाँ पे सब कुछ सेम है, लॉजिक सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन पढ़ने का तरीका, मतलब पहले 1000 से कम पे दिया जाता था बट वो कहता है बिलो है तो भी चलेगा और अगर 1000 है तो भी चलेगा, ओके, बट 1000 एक होगा तो नहीं चलेगा, वो ये कह रहा है। ओके नाउ एंट्री नंबर 22 को अमेंड किया गया, ये कहता था सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, किसको सर्विस के लिए कहता था सर? बाय ऑफ गिविंग ऑन हायर को टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग STU और ऐसे मोटर व्हीकल के बारे में बात करता था जहां पे मोर देन 12 पैसेंजर हो। ओके तो यहां पे पहली चीज तो ऐड किया गया डबल ए, यहां पे क्या ऐड किया गया? डबल ए पॉइंट। ये क्या कहता है कि सर्विस जो है बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, ठीक है सर, अब यहां पे टू था, किसको दी जा रही है? STU। यहां पे ऐड किया गया ये अब किसको दी जा रही है? सर लोकल अथॉरिटी को दी जा रही है और EOV के थ्रू दी जा रही है, दैट इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल जहां पे 12 से ज्यादा पैसेंजर है। और EOV का मतलब इन्होंने क्या बताया? जो कस्टम टैरिफ एक्ट में चैप्टर 87 में डिफाइन है, तो EOV का मीनिंग आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप देखो सोलली ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिराइव फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम वन और मोर इलेक्ट्रिकल बैटरीज, मतलब जो बैटरी वगैरह से चल जाता है उसके बारे में वो बात कर रहा है। तो ओवरऑल हमें क्या याद रखना है कि पहले ये हमें सिर्फ और सिर्फ STU को इंडिकेट करवाता था लेकिन अब ये लोकल अथॉरिटी को कह रहा है अगर सर्विस दोगे तो इसको हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ओके ठीक है नाउ यहाँ पे बी और सी सारे पॉइंट सेम है, बस एक चीज़ हमें याद रखनी है दैट इज डबल ए। डबल ए में हमें यही सीखना था कि अगर आप यही सर्विस सेम सर्विस अगर लोकल अथॉरिटी को भी देंगे तो उसे एग्जेम्प्शन दी जाएगी और EOV होना चाहिए, यानी ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल जाए। ओके सर नाउ माई डियर फ्रेंड न्यू एंट्री 24B, सर ये पहले नहीं थी अब है, सर क्या है सर? सर आइए एक बार रीडिंग देते हैं अपने आप क्लियर हो जाएगा। लिखा सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज, कैसी सर्विस है सर?
स्टोरेज की सर्विस है या फिर सर वेयर हाउसिंग की सर्विस है? सर किस चीज़ की? सर सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, मतलब अगर आप इन चीज़ों को स्टोर करते हो या वेयर हाउसिंग करते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। स्पाइसेस, कोपरा, सुगर केन, जैगरी, रॉ वेजिटेबल्स, फाइबर्स, एस्कॉटन, फ्लैक्स, जूट, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू, बैटल लीव्स, टेंडो लीव्स एंड कॉफी एंड टी। सर ये पहले नहीं था, लेटेस्ट ऐड किया गया, तो सर ये कुछ वर्ड्स तो याद ही रखना क्योंकि ये MCQ में भी पूछा जा सकता है और सर इसी पे केस स्टडी भी आ सकती है, ठीक है सर, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। नाउ न्यू एंट्री डाली गई सर यहाँ पे भी, जो पहले अप्लीकेबल नहीं थी, नॉट अप्लीकेबल, अब है। सर ये क्या है? ये कहता है सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड, एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, मतलब जो पुलिस के नौजवान हैं उन्हें गवर्नमेंट इंश्योरेंस करवा के दे रही है या फिर ग्रुप इंश्योरेंस करवा के दे रही है, फंड्स टू देयर मेंबर्स, कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो ये पैसा उनके घर वालों को मिले। और ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए, मतलब कि वो हमारे पुलिस के नौजवान अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनको पैसे घर वालों को मिले। तो ये जो सर्विस दी गई गवर्नमेंट के द्वारा ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की, इसको एग्जेम्प्ट रखा गया, इस पर टैक्स नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। अगेन ये 5-star है, एग्जामिनर कैन आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। ओके सर, उसके बाद एंट्री अमेंड किया गया 35 को, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पे एक चीज़ ऐड की गई, दैट इज A2Q सब सेम है लेकिन R को ऐड किया गया, दैट इज बंगला साहस बीमा। ओके सर, ये हल्का सा ऐड यहाँ पे किया गया, पहले ये नहीं था, फिलहाल ये दिया गया। तो सर MCQ के लिए रिलेवेंट है। इस वर्ड पे BSB इस पे थोड़ा सा नज़र बनाइए रखेगा। फिर एक नई एंट्री, अगेन न्यू एंट्री 82A, दैट इज सर्विस बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू द इवेंट्स ऑर्गेनाइज अंडर FIFA, कि हम अधिकार देते हैं, किस चीज़ का अधिकार सर? एडमिशन लेने का। सर कौन से इवेंट में? सर FIFA के वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020। तो ये जो सर्विस दी जा रही है, अधिकार दिया जा रहा है एडमिशन का, कि इवेंट होंगे तो आप एडमिशन ले सकते हो वुमेन्स का वर्ल्ड कप 2020 में, तो इसको एग्जेम्प्ट किया गया। तो सर एक बार आप दोबारा से, मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से, मैंने मुश्किल से लिटरली, मतलब अगर आपने एग्जेम्पशन पढ़ रखा है तो मैंने मुश्किल से 12 मिनट लगाए, इस 12 मिनट को आप 5 मिनट में पूरा रिवाइज कर सकते हो सर, इसको अच्छे से पढ़ लो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बट सर अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो ये अमेंडमेंट चल रही थी, अब कुछ सर्कुलर्स हैं सर, क्लेरिफिकेशन में देखो, पहला क्लेरिफिकेशन में इशू रखा गया वेदर GST इज अप्लीकेबल ऑन एडिशनल या पैनल इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्यू लोन। कोई लोन है सर, ठीक है सर, आपका कोई लोन है, वो ओवरड्यू हो रहा है, आप टाइम से उसको पेमेंट नहीं दे रहे हो, तो आप पे पैनल इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो क्वेश्चन रखा गया आपके सामने, वेदर सच पैनल इंटरेस्ट भी एग्जाम्ड अंडर एंट्री नंबर 27, क्या एंट्री नंबर 27 में ये पैनल इंटरेस्ट एग्जाम्ड हो जाएगा ऑफ एग्जाम्पशन, और इट वुड बी टैक्सेबल ट्रीटिंग इट एज कंसिडरेशन फॉर लिक्विडिटी डैमेज, या फिर इसको टैक्स लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि पैनल इंटरेस्ट पे टैक्स लगना चाहिए या टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये आपसे पूछा गया यहाँ पे। तो इसके लिए बेहतरीन सर आपको इलस्ट्रेशन जो है ये रीडिंग करवाता हूँ मैं, कंटेंट आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, ये एक बार सुनो आप, बहुत ज़रूरी है। एक्स ने सेल किया एक मोबाइल फ़ोन, किसको सर? वाई को, और जो कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन है वो है 40,000 रुपये। हाउएवर एक्स गिव्स वाई एन ऑप्शन टू पे इन इंस्टॉलमेंट, कि भैया इंस्टॉलमेंट पे दे दो और 11,000 की इंस्टॉलमेंट दे देना हमें हर महीने, ठीक है सर, बिफोर 10th day ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मतलब हर अगले महीने की 10 तारीख तक आप हमें पैसे दे देना। तो 44,000 भाई साहब कलेक्ट कर रहे हैं, और इन्होंने कितना एक्स्ट्रा चार्ज किया सर? इन्होंने 4,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए, ठीक है सर। ओके, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर इज एनी डिले इन पेमेंट, मान लो अगर वो पेमेंट टाइम से नहीं देता, वाई बी एंड द शेड्यूल डेट, शेड्यूल डेट सर क्या है सर? 10th ऑफ द फॉलोइंग, वाई वुड बी लाइबल टू पे एडिशनल पैनल इंटरेस्ट, तो भैया उसको देना पड़ेगा 500 रुपये हर महीने के हिसाब से एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमें क्या सिखा रहे हैं वो, इन सम इंस्टेंसेस, मतलब कुछ केसेस के अंदर एक्सेस चार्जिंग हो सकता है, वाई मोबाइल के लिए 40,000 रुपये ले और सेपरेटली इशू करे कुछ अदर इन्वॉइस, कुछ दूसरा इन्वॉइस बना के दे
जिस पे वो लिखे कि भैया लोन की वजह से मैं तुमसे 10,000 रुपये या 4,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा हूँ और जो तुम्हें 6 महीने में मुझे पे करना है, और इसका इनवॉइस अलग बना दे। द कंसिडरेशन फॉर विच इज़ द इंटरेस्ट 2.5% पर मंथ, कि हमसे 2.5% ब्याज हम चार्ज करेंगे जो भी पैसा अनड्यू रह जाएगा, और अगर आपने पेमेंट टाइम से नहीं की तो 500 रुपये पेनल्टी लगेगी। तो हमें ये वाली बात सीखनी है केस समझने के बाद कि भैया इन दिस केस द अमाउंट ऑफ पैनल इंटरेस्ट इज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि भैया ये जो पैनल इंटरेस्ट है ना, ये वाली बात ऑलरेडी वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल थी, जो कि टर्म्स है, हमारी सेल की टर्म्स है जो हमने आपको पहले ही समझा दी थी। द ट्रांजेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई इज फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ठीक है सर, जो दोनों ही टैक्सेबल गुड्स के लिए मिले जो कि मोबाइल फोन है। तो अकॉर्डिंगली, मतलब जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आना चाहिए कि पैनल इंटरेस्ट वुड बी टैक्सेबल एज इट वुड बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ मोबाइल इरिस्पेक्टिव ऑफ द मैनर ऑफ इनवॉइस। कि आप इनवॉइस क्या बनाते हो, कैसे बनाते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये टैक्सेबल रहेगा। तो सर ये ही बात क्लेरिफिकेशन में यहाँ पे समझाई गई है, तो इसको सेल्फ रीडिंग दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर एग्जाम में ये पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट ये केस भी पढ़ लेते हो, आपका काम बन जाएगा। सर रिलेक्सेशन टू आपका होमवर्क है सर, ठीक है, ओके। मोर ओवर उसके बाद है क्लेरिफिकेशन, यहाँ पे एक और दिया गया है, यहाँ पे जीएसटी की बात की गई मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए या कंट्रीब्यूशन चार्ज्ड बाय अ रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन फ्रॉम इट्स मेंबर। सर इशू क्या था, इशू नंबर वन ये कहता है आर द मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय रेजिडेंशियल रेजिडेंट्स टू द आरडब्ल्यूए इन अ हाउसिंग सोसाइटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। कि अगर हम कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस हैं हम पे कर रहे हैं, हम कौन है सर, रेसिडेंट, किसको सर पे कर रहे हैं, सर हम पे कर रहे हैं, हम रेसिडेंट पे कर रहे हैं आरडब्ल्यूए को, ठीक है, ओके। और क्या ये इस पे जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, तो यहां पे समझाया गया कि अगर सप्लाई दी जा रही है ऑफ सर्विस, कौन दे रहा है सर सर्विस, सर आरडब्ल्यूए जो है वो सर्विस दे रहा है सर किसको, सर रेसिडेंट्स को, ठीक है। अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या फिर नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, जो भी है, ट्वीट्स ऑन मेंबर, अपने ही मेंबर्स को बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस, थोड़ा बहुत चार्जेस लेता है, 7,500 रुपये पर मंथ पर मेंबर। अगर ये चार्जेस कितने हैं सर, 7,500 पर मंथ पर मेंबर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड गुड्स फॉर द कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर। और सर ये सारा बेनिफिट कौन ले रहा है सर, इसके मेंबर ही ले रहे हैं, तो सर यहाँ पे लिखा गया कि इसे एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी रखा गया। तो ओवरऑल आप चाहें तो ये लिमिट याद रखें कि 70, अगर एग्जाम में आप याद रख सकते 70, मैं अगेन इसको क्लियर कर देता हूँ, सारी बातें छोड़ दो, यहाँ पे याद रखो कि 7,500 पर मंथ पर मेंबर है, और अगर ये मेंबर को ही सर्विस दी जा रही है और ये अनकॉर्पोरेटेड और नॉन प्रॉफिट एंटिटी है तो भैया इसे एग्जेम्प्ट रखा गया। ओके, नाउ यहाँ पे बोला गया था कि अनइनकॉर्पोरेटेड है, सर अनइनकॉर्पोरेटेड क्यों है सर, सर क्योंकि ना इसकी लिमिट ना 20 लाख से कम थी, इसलिए इसने जीएसटी में रजिस्टर ही नहीं कराया। तो यहां पे केस अगला बना, ठीक है, तो ये केस किसके लिए सर, ये है अनइनकॉर्पोरेटेड के लिए, सर आप अनइनकॉर्पोरेटेड थे, ओके, या फिर आप नॉन प्रॉफिट थे, नॉन प्रॉफिट एंटिटी, ठीक है सर। पॉइंट टू रखा गया, आर डब्ल्यू ए हैज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 20 लाख और लेस, ठीक है सर, इन अ फाइनेंशियल ईयर, इज इट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। कि सर हमारा जो आर डब्ल्यू है ना उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख जा चुका है या फिर हो सकता है उससे थोड़ा सा कम हो फाइनेंशियल ईयर में, इज इट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है एंड पे करना जीएसटी और मेंटेनेंस चार्जेस, या फिर जो मेंटेनेंस चार्जेस है क्या उस पर जीएसटी पे करना जरूरी है। If the amount of such charges is more than 7,500 per month per member, अगर हम 7,500 से ज़्यादा ले रहे हैं तो सर ये सारी कहानी ना पढ़ने के अलावा आप बस ये टेबल पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया क्या जो टर्नओवर है मोर देन 20 लाख, जो टर्नओवर है क्या वो 20 लाख से ज़्यादा है, आपका आंसर है जी मोर देन है 20 लाख से ज़्यादा है। तो फिर हमने आपसे फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर टू है क्या मंथली मेंटेनेंस चार्जेस जो है क्या आप 7,500 से मोर देन 7,500 है, अगर आप कहते हो हाँ जी, इसका आंसर भी अगर आपका यस है, ठीक है सर, इसका भी यस है, तो फिर ये पहला केस सुना, ये भी यस है वो भी यस है, मतलब 20 लाख से ज़्यादा है, हाँ, क्या ये 7,500 से ज़्यादा है, हाँ, तो सर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ओके,
मतलब जीएसटी लगाना पड़ेगा। नाउ सर ये तो 20 लाख से ज्यादा है, टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, लेकिन हम 7,500 से कम चार्ज कर रहे हैं तो एग्जेम्पशन मिलेगी? यस yes, मतलब नो जीएसटी, नो जीएसटी, मतलब ऐसे मत लिखो, इसे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, नॉट लायबल, नॉट लायबल टू पे जीएसटी, जीएसटी पे करने के लिए आपकी लायबिलिटी नहीं है। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की 20 लाख से कम है सर, अब दोनों क्वेश्चनों में एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है सर, ओके। नाउ सर ये हमारे पास एक केस और ऐड है, इज द आरडब्ल्यू इज एंटाइटल्ड टू आईटीसी, टेक आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनपुट एंड सर्विसेज यूज्ड बाय इट। सर वो क्या कह रहा है कि आपका जो आरडब्ल्यू है इसने हो सकता है कैपिटल गुड्स लिया हो सकता है इसने इनपुट लिया हो सकता है इसने इनपुट सर्विस लिया कोई कुछ भी खरीदा उसने, सब पे इसने जीएसटी पे किया है, जीएसटी पे किया है, जीएसटी पे किया है। अब ये दो लोगों को यहाँ पे सर्विस दे रहा है, एक जिनकी टैक्सेबल सर्विस है, ठीक है सर, और एक है जिनकी एग्जेम्प्ट सर्विस है। तो सर आप ना इन दोनों का क्या लोगे सर, प्रपोर्शन, आपको प्रपोर्शन लेना है और प्रपोर्शन बेसिस पे जो यहां पे जीएसटी पे हुआ है उसको आप टैक्सेबल वाले में से लेस करवा दोगे। सर ये कहां सीखेंगे, तो ये हम आईटीसी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो इस अमेंडमेंट के बाद स्टार्ट होगा उस पे हम सीख लेंगे, और सेक्शन मतलब जो भी है हमारे अपोर्शनमेंट जो होगा हम सीख लेंगे, ओके। नाउ माय डियर फ्रेंड एक और यहां पे ऐड किया गया है पॉइंट, यहां पे फोर्थ पॉइंट क्लेरिफिकेशन के लिए, वेयर अ पर्सन एक व्यक्ति है ऑन्स टू और मोर फ्लैट्स, उसके पास दो या उससे ज्यादा घर है, कहाँ है सर, हाउसिंग सोसाइटी में या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, वेदर द सीलिंग ऑफ 7500 पर मंथ पर मेंबर ऑन द मेंटेनेंस फॉर एग्जेम्पशन टू बी अवेलेबल शैल बी अप्लाइड पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और अ पर्सन। वो कह रहा है कि आपके पास दो फ्लैट है और आप एक सिंगल पर्सन हो, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर ये पर्सन वाइज हमें 7500 बताया गया है या फ्लैट वाइज, हमें फ्लैट वाइज 7500 बताया गया है। तो सर इसके लिए बताया गया कि जो जनरल बिजनेस सेंस था इसका जो हमारा बताने का था, पर्सन हु ऑन्स टू और मोर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट इन अ हाउसिंग सोसाइटी और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स शैल नॉर्मली अ मेंबर ऑफ आरडब्ल्यू। सर आरडब्ल्यू के लिए तो एक सिंगल मेंबर है लेकिन फ्लैट उसके पास दो हैं, फॉर ईच, यहाँ पे वर्ड क्या सर, फॉर ईच रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, उसको हर अपार्टमेंट के लिए 7500 की लिमिट जो है वो चेक की जाएगी पर मंथ पर मेंबर, शैल बी अप्लाइड सेपरेटली फॉर ईच रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ओन्ड बाय हिम। तो ये एग्जांपल दिया गया, ये आप देख सकते हैं, ओके। नाउ हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी एग्जेम्पशन डीजी शिपिंग अप्रूव्ड मैरिटाइम कोर्सेस कंडक्टेड बाई मैरिटाइम ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। सर आपने ना एक एजुकेशनल सेक्टर पढ़ा था मेरे साथ, एजुकेशनल सेक्टर में आपने मेरे साथ ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था मैं आपको बताता हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होगा प्रोवाइड करेगा एग्जेम्पशन, जो भी प्रोवाइड करेगा उसको एग्जेम्पशन दी जाएगी। सर कब दी जाएगी, अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्विसेज दे रहा है, ठीक है सर, किसको दे रहा है सर, स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को, ठीक है सर। तो यहाँ पे कहा गया कि ये जो डीजी शिपिंग है जो कि मैरिटाइम कोर्सेज देता है उसको भी हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मानते हैं, और वो अपने ही मेंबर को, ठीक है सर, अपने ही स्टूडेंट्स को ये सिखा रहा है इसलिए इसको एग्जेम्पशन दी जाएगी। तो यही चीज़ बोलो है, मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर जीएसटी लॉ, और कोर्स कंडक्ट जो भी हो रहा है उसे एग्जाम रखा जाएगा जीएसटी में। तो सर ये मेरे हिसाब से 5 स्टार है, एग्जामिनर विल आस्क द क्वेश्चन। सर ये थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया एक एक करके, ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। एंड इन दी लास्ट, एक लास्ट बात मुझे आपको बतानी है, फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो एग्जामिनेशन का टॉपिक है ये कम्प्लीटली जो है सर वो खत्म हो जाएगा। ये क्या कहता है सर, क्लेरिफिकेशन है, इफेक्टिव डेट ऑफ इंसर्शन ऑफ एक्सप्रेशन इन नोटिफिकेशन, कि भैया एक बात बताओ, आप अमेंडमेंट डाल देते हो फिर आप नोटिफिकेशन के थ्रू उसकी एक्सप्लेनेशन डाल देते हो, तो ये कब तक डाल सकते हो एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ के लिए एक छोटी सी लाइन बताई गई है कि 1 साल तक
जब भी आपने नोटिफिकेशन डाली है उस नोटिफिकेशन के रिलेटेड आप एक साल तक क्लेरिफिकेशन जो है वो ऐड कर सकते हो। तो सर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शायद एमसीक्यू में ऐसे ही आपसे पूछ लें। तो इसी के साथ सर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ और हम पढ़ रहे थे सर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट इन एग्जेम्पशन टॉपिक। तो सर ये नोट्स अगर आपको चाहिए, अगर आप डाउनलोड कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं टेलीग्राम ग्रुप में से ऐड कर दूंगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। 25 मिनट्स में हमने 5 मिनट्स रेडी कर लिए सर, मतलब 25 मिनट्स में हमने 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को रेडी कर लिया। अभी आपके ऊपर है कि आप कितने तमीज़ और पेशेंस के साथ इसको रिवाइज करते हैं। मैंने एक दोस्त के होने के नाते आपको समझा दिया, अब आप एक स्टूडेंट होने के नाते इसे अच्छे से रिवाइज कर लें और एग्ज़ाम के लिए लिटरली आई क्रॉस माई फिंगर एक क्वेश्चन इस 25 मिनट से आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।